की बहू के बदले क्या घर की बेटी आरती कर सकती। घर छोड़कर अरमान और अभीरा निकले अपने नए सफर की और मिल गई है मुस्कान और दादी सा अभीरा को। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि भाई यहाँ पर विद्या ने माँ होते हुए भी अपने ही बच्चों को बददुआ दे दी है। जी हाँ, गृह प्रवेश के समय विद्या इतना तमाशा करती है, उल्टी आरती उतारती है और यहाँ तक कि वो तो अरमान को यह एहसास भी दिला देती है कि अरमान उनका सौतेला बेटा है। जिसके बाद अब यहाँ पर रूही ने माफी मांग ली है अरमान से और अभीरा से भी। अभीरा से तो ये भी कह दिया है कि अब वो उनके रिश्ते के बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन वहीं पर अरमान और अभीरा को टेंशन है कि माँ कब माफ करेंगी उन्हें। जहां पर अरमान अपनी माँ विद्या के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है तो वहीं विद्या कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटा, लेकिन एक शर्त है। जी हाँ, यहाँ पर एक ही शर्त की वजह से विद्या ने माफ किया और वो है कि हमेशा के लिए अरमान अभीरा के साथ इस घर को छोड़कर चला जाए। जहां अरमान ये बात मान लेता है और वो निकल चुका है अब एक नए सफर की और। जी हाँ, अपनी पत्नी अभीरा का हाथ थाम के अरमान जो है वो निकल गया है पुतार हाउस से हमेशा हमेशा के लिए। तो वह हम आपको बता दें कि भाई अब बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि होने वाली है अभीरा के परिवार की एंट्री। जी हाँ, आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि जहाँ अरमान और अभीरा जाने वाले हैं बस स्टैंड पे, तो वहीं पर जो ये लोग हैं कसौली की ओर जाएंगे तो वहीं पर अब मुस्कान और दादी से इनकी मुलाकात होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि भाई जल्द ही अब मुस्कान की वापसी होगी। जैसे ये तो पता है कि भाई उसके भाई जी की बेटी है, लेकिन वो अभीरा ही इस बात से वो वाकिफ नहीं है। लेकिन अब उसे फाइनली पता चलने वाला है कि अभीरा ही अभिनव की बेटी यानी कि अभिनव और अक्षु की बेटी है। जिसके बाद अब यहाँ पर मुस्कान और दादी जो है वो लेकर जाने वाले हैं अभीरा और अरमान को अपने साथ कसौली वापस। तो दोस्तों, क्या आप भी एक्साइटेड होने आने वाला धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि मुस्कान की वापसी हो ताकि यहाँ अभीरा को एक मजबूत सपोर्ट मिले जो कि पुतार परिवार के खिलाफ खड़ा हो सके? वेल, हमें कमेंट में शेयर करें। क्या आप भी चाहते हैं कि मुस्कान आए तो हमें ढेर सारे कमेंट्स में शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।